सूबे की सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आइए दिखाते हैं आपको सहरसा जिला मुख्यालय में बना एक ऐसा विद्यालय जहां 7 कमरे में 3 सरकारी विद्यालय संचालित हो रहा है। यहां एक कमरे में 2 से 3 कक्षाएं की पढ़ाई होती है। जर्जन भवन के बीच इस विद्यालय की तस्वीर को देखिए, किस तरह से छात्र एवं छात्राएं इस विद्यालय में पढ़ाई कर अपने भविष्य को तलाश रहे। यह तस्वीर कोई गांव कस्बे की नहीं बल्कि यह तस्वीर जिला मुख्यालय की है। सहरसा जिला मुख्यालय के कोसी कॉलोनी में वर्षों से जर्जर हालात में तब्दील सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस विद्यालय के प्राचार्य की माने तो विद्यालय की भवन भी जर्जर हो चुकी है। एक कमरे में 2 से 3 कक्षाओं की पढ़ाई की जाती है जिस कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और शिक्षक भी किसी तरह बच्चे को पढ़ाते हैं। बारिश के मौसम में क्लासरूम से पानी टपकता है, इसकी जानकारी विभाग को कई बार दी गई है लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी कोसी इलाके से आते हैं, तो उनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद लोग उम्मीद जताए बैठे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी। अरे विद्यालय का भवन, एक तो कमरा कम है, मात्र 4 कमरे हैं और 8 क्लास चल रहा है हमारा मध्य विद्यालय का, और उसके अलावा एक रूम ले लिया है प्राथमिक विद्यालय राधा नगर, और बाकी 2 रूम लिए हुए हैं कोसी को लिए, उच्च विद्यालय कोसी को लिए हैं। यहाँ हर कमरे में 2-2 क्लास चलता है जिसके कारण काफी परेशानी होती है, बच्चे आ नहीं पाते, गार्जियन भेजते नहीं है, दिक्कत एक तो गर्मी है, उस पर से एस्बेस्टस का रूम सब टूटा हुआ है, ये सब परेशानी है। कितनी बार डीओ साहब को लिख के दिए हैं और उसके लिए कुछ तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशानी तो आप लोग के सामने है सारा, आप देख, एक रूम में 5 क्लास चल रही, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? ये टूटा हुआ एस्बेस्टस हम 40 साल से देख रहे हैं, इसको मतलब सौतेला व्यवहार सरकार जो है इस स्कूल के साथ कर रही है, बच्चों के साथ कर रही है। सिर्फ जो है यहाँ लगभग 6-7 वार्ड, 1000 स्टूडेंट हैं, यहाँ एक भी व्यवस्था, न पंखा है, न बिजली है, सारा खिड़की जो है टूटा पड़ा है, न बेंच टूटा पड़ा हुआ है, एक कोई भी व्यवस्था बच्चे के लिए है ही नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है पढ़ाई के नाम पर। क्या लगता है कोसी से अब वो तो मंत्री बन चुके हैं शिक्षा मंत्री? बिल्कुल, हम लोग को उम्मीद है, जो पड़ोसी हमारे चंद्रशेखर जी बने हुए मंत्री जी शिक्षा विभाग के लिए, हम चाहेंगे जी इस पर भी ध्यान केंद्रित करें और स्कूल को एक अच्छा सा बिल्डिंग बना के बच्चों को एक तोहफा दें।